नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कहते हैं कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो पहले आपको उन सपनों को देखना होगा, उसके बाद उस दिशा में आपको मेहनत करनी होगी और उसके बाद आपकी राहें खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। कई ऐसी कहानियां, किस्से हमने सुने हैं, पढ़े हैं, देखे भी हैं अपने आसपास, जहां पर कुछ ऐसे लोगों ने मिसाल पेश की है जिनसे उम्मीद बहुत कम थी, या ये कह लीजिए जिनके पास साधन बहुत कम थे और इसीलिए उनसे उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हुनर छिपाए नहीं छिपता, उसको अपना मुकाम मिल ही जाता है। कई कहानियां आपने सुनी होंगी, एक ऐसी ही कहानी आज आपको बताने जा रही है जहां पर एक ऑटो ड्राइवर के बेटे ने ये साबित करके दिखा दिया है कि तमाम दिक्कतें होने के बाद भी शिखर तक पहुंचा जा सकता है। गोपीनाथ इस शख्स का नाम है जिसने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया है। गोपीनाथ इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। वाइजैग में रहने वाले गोपीनाथ ने हैदराबाद में हुई सेरेमनी में फ्लाइंग ऑफिसर की डिग्री हासिल की और उसके बाद से ही उनकी कहानी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरी खबर को छापा है, उनकी प्रेरणादायक कहानी को छापा है और उनके मुताबिक गोपीनाथ ने बताया है कि उनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। बचपन से ही वो तंगी का आलम देखते आए हैं, लेकिन उनके पिता ने लगभग 25 सालों तक ऑटो चलाकर ही परिवार की जरूरतों को पूरा किया। ऑटो चलाने से घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई करना, जाहिर तौर पर आज के जमाने में आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन गोपीनाथ के पिता ने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। गोपीनाथ और उनकी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और उसके बाद वो जो करना चाहते थे उनको वो करने की अनुमति दी। गोपीनाथ ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन मैं चाहता था कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर बनूं और मेरे पिता ने मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। गोपीनाथ ने कहा, मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। हालांकि गोपीनाथ ने मलाल भी जताया कि उनके पिता इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखते थे, वो नहीं बन पाए तो वो चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने और वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी गोपीनाथ ने कहा कि अब जितने भी सपने हैं अपने पिता के, अपनी माँ के, अपनी बहन के, वो पूरा करेंगे और साथ ही साथ जो बचपन से लेकर अब तक आर्थिक तंगी उन्होंने देखी है उन सबको वो दूर करेंगे। गोपीनाथ ने यह भी बताया कि उनके दादा की तरह उनके मन में एक जज्बा था कि वो फोर्स में जाना चाहते हैं। उनके दादा इंडियन आर्मी में कार्यरत थे और सबसे खास बात यह है कि गोपीनाथ तेलुगु स्टेट से चुने गए एक लौते कैंडिडेट हैं, जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। बता दें, पहले वो एयरफोर्स में बतौर एयरमैन ज्वाइन हुए थे, लेकिन चूंकि उनका सपना फ्लाइंग ऑफिसर बनने का था तो वो डिस्टेंस से पढ़ाई करते रहे, काम करते रहे और अपने सपने को पूरा करने की तैयारियों में जुटे रहे। फाइनली एक इंडियन फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ और उनका सपना पूरा हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।